मंसूर आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग किंग। आज हम बात करेंगे अपने रोड़ा की खबरों की, मतलब रोड़ा की खबरें मैं फिर ले आया हूँ वो भी अराउंड 1 साल बाद, क्योंकि मैंने पिछले साल निकाली थी लास्ट 14 मई को, तो 1 साल होने वाला था कि मैंने निकाल दी 11 महीनों के बाद। तो आप बताओ, आप एक्साइटेड हो यानी न्यूज़ जानने के लिए? मैं अब निकालूंगा, ये कोशिश करूंगा ट्यूजडे को निकालूँ, थर्सडे को निकालूँ और सैटरडे को। बढ़िया बढ़िया, और इसके अंदर आपको मिलेगी अराउंड अराउंड बहुत सारी न्यूज़, और मैं 2 दिन का डाटा कनेक्ट करके आपको बढ़िया बढ़िया न्यूज़ दूंगा और वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं पहले इसको वीडियो को, फिर आपसे मैं आगे बात करता हूँ चीज़ों के बारे में क्या क्या है। बहुत गर्मा गर्म न्यूज़ है यार, मैं देख के हैरान हो गया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आई है। तो आपसे हम बात करते हैं फ्यूचर में, नहीं मतलब आगे जाके बात करते हैं वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार देखो, इसकी वीडियो का टारगेट है लाइक्स पर 20 लाइक्स, और सब्सक्राइबर करने हैं 510। 510 सब्सक्राइबर का टारगेट है, 510 करो पूरे और नीचे लाइक 20 करा दो पूरे। और मैं हम बात करते हैं पहली खबर की, तो वो आ रही है वीवो की तरफ का IQOO Neo 3 की। हाँ यार, IQOO Neo 3 है जो वो जरूर इंडिया में आएगा, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि IQOO जो है आया वो इंडिया में 3 अभी भी आएगा, या नियो इसका जो आया है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उस कंपनी वालों ने करा है 144 Hz का डिस्प्ले। पहले तो इसका लॉन्च डेट दिखाया था आने वाला है, अभी इन्होंने ये दिखा दिया। और इसके अंदर 865 स्नैपड्रैगन होगा, कंफर्म है 5 GB होगा ये। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी LPDDR5 की रैम, जिसके अंदर आपको 16 GB का वेरियंट अराउंड मिलेगा कन्फर्म। या इतने बढ़िया बढ़िया लीक आए गर्मा गर्म, हाँ स्वाद आ गया देख के। तो नेट नहीं चल रहा, थोड़ा मोबाइल डाटा में प्रॉब्लम है, तो मैं उधर देख ही नहीं रहा। हाँ तो आ गया 144 Hz का। अब ये नहीं मतलब टच सैंपल है या फिर रिफ्रेश रेट है, बस उन्होंने ये बोला है। और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा, या बहुत अच्छे अच्छे लीक से इसके। तो अब देखते हैं हम क्या इंडिया में क्या लाएगा, किस प्राइस पे आएगा। और मुझे लगता है चीपेस्ट 5G होने वाला है इंडिया का। तो अभी हम बात करते हैं, तो वो है पबजी की। पबजी की न्यूज़ है ना, नहीं ये पबजी की। अगले हम बात करते हैं पबजी की। पबजी की यार कुछ सीजन 13 के लीक्स आए हैं बहुत सारे, उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं टॉय एडिशन स्किन नहीं देखने को मिल रही है। परसों आपको एक अपडेट भी मिलेगा पबजी का, जो 16 तारीख को मिलने वाला है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बैलून जोड़ता हुआ, आपको टिकटॉक में दिख गया होगा वो अपडेट। टिकटॉक में ऐसे बैलून बैठे ना आते हैं ना बैलून, एक उसके अंदर बैठ के मोबाइल में होते हैं, वो आएगा। अब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। और सीजन 12 जो आने वाला है 13 वो आने वाला है अभी कौन सी तारीख को, 5 5 को खत्म होगा तो 6 को आ जाएगा आपके पास। और इसके बहुत सारे लीक आए हैं अंदर, देखो क्या है, हेलमेट दिख रहा है और ये दिख रहा है पैरासूट। इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और इसके अंदर एक बोर्ड का अपडेट आएगा, समर अपडेट जिसे कहते हैं, वो देगा। और GDM का नया मैप आएगा। बहुत सारे लीक्स है इसके, तो पबजी की बहुत सारी चीजें आई है, पता नहीं क्या क्या देते हैं पबजी वाले। तो हम इसकी फ्यूचर में बात करेंगे अगर देंगे तो। अभी हम बात करते हैं तो PlayStation 5 के बारे में। सोनी का जो PlayStation 5 है उसका कंसोल जो लीक हुआ है कंट्रोलर, और बड़ा अच्छा लग रहा है इस वीडियो में, जो फोटो आई है इसकी व्हाइट कलर का है ये सिंपल सा। अब कंफर्म हो चुका है 5 भी आने वाला है PlayStation, और बढ़िया इंतजार है इसका, और ये अच्छा है व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है आपको, राइट साइड में है कंट्रोल करने का और लेफ्ट में आगे पीछे करने का, नीचे 2 बटन से। थोड़ा अच्छा डिजाइन है सोनी की तरफ से, अच्छा लग रहा है। कुछ आने वाला है PlayStation 5 में, अब वो भी इनके साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स मुकाबले में। अब देखते हैं कौन एक दूसरे को टक्कर दे पाएगा या नहीं। तो अगले हम बात करते हैं नोकिया। नोकिया इन्होंने इसके अंदर जो आने वाला था 9 जो प्योर व्यू था उसके अंदर 5 कैमरे, तो 50,000 कीमत थी। फोन के अंदर था कुछ नहीं, 845 स्नैपड्रैगन देखने को मिल रहा था, 5 कैमरे दे दिए बस, उसके पैसे वसूल कर रहे थे तुमसे। अब इस बार देखते हैं 9 प्योर व्यू क्या लेके आता है। इसके अंदर भी कह रहे 5 कैमरे हो गए और 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा प्राइमरी, और 108 मेगापिक्सल का एक्सपेक्टेड अल्ट्रा वाइड कैमरा देगी। बात खत्म नहीं यार, नए नए फीचर कैसे दे रहे हैं वो नोकिया वाले, ये तो सारी पुरानी चीजें देते हैं, देखते हैं अब क्या लाते हैं नोकिया। और उसके साथ में कह रहे हैं Nokia 7.3 भी लास्ट ईयर ये एंड तक आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, चीपेस्ट प्राइस में आएगा। चीपेस्ट नोकिया और चीपेस्ट हो ही नहीं सकता यार, मैं तो नहीं मानता। तो अभी हम बात करते हैं तो नोकिया के अंदर जो हुआ 5.9 का डिस्प्ले मिलेगा, और इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 845 स्नैपड्रैगन देखने को मिला था उसमें जो पुराना था। अब देखते हैं कुछ अपडेट आते हैं या नहीं इसके अंदर नए वाले में, पुराने तो इतने सारे आए था, अब इस बार देखते क्या आता है। तो अभी हम बात करते हैं तो वो है 1+8 Pro। यार 1+8 Pro के पीछे पड़ गया यार,
आज तो आई जाए अगर आपको, तब भी एक बार बता दे तो आपको क्या क्या लीक्स है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 3 बजे है, मैं आपको 6 बजे तक वीडियो दूंगा। अब देखते हैं क्या क्या इसका प्राइस जो है ना, तो कन वो करने दो, आ गया कन्वर्ट डॉलर्स में आया डॉलर। अरे आप खुद ले साइड थोड़ी देर रुको, मैं आपको बात कर लेता हूँ। वन प्लस जो 8 आने वाला है, खुली इनके मतलब यार थोड़े लीक्स आए प्राइस की, वो है देखो 865 स्नैपड्रैगन तो होने वाला है इसके अंदर, LPDDR5 की रैम भी होगी, देखते हैं हम। और 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल रहा है प्राइस का गई। हाँ तो आपको देखो प्राइस जो है ना, वन प्लस 8 स्टार्ट जो होगा $813 से, 813 70 है ना वैल्यू, पता नहीं, तो 56 होगी ये प्राइस, तो चला लेगी काम। इंडिया डॉलर के हिसाब से तो हमेशा ज़्यादा होती है, सस्ती इंडिया में आ सकता है। और अगली हम बात करते हैं तो वो है 8 GB 265 $56 का जो है, वो है $800 ₹40, $840। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इंडिया में, तो ये बन रही 58,800 रुपीज़। अब इंडिया में देखते हैं किस प्राइस पे आता है। तो अगली जो वेरियंट है वो है 12 GB और 128, वो है $865, 865 इंटू करते हैं अब, तो यार ये 60,550। और अभी जो दे रहे हैं वो है 12 GB, हो गया ना 12 GB 256, वो है 891 इंटू करते हैं ये आ रही 62,370। इतने महंगे वन प्लस के फोन कौन लेगा, मतलब यार 60,000 से ऊपर वन प्लस जा रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जो वेरिएंट है वो कितना है, 8,813। अब देखो 813, हाँ 813, अभी गलत कर दिया थोड़ा तो 813 जो है ना उसके अंदर ये देखो 556 तक आ रहा है, थोड़ा महंगा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, क्योंकि वन प्लस के मुकाबले में जो इस प्राइस में तो बहुत सारे आ जाते हैं। वन प्लस क्या बाकी फोन आ जाते हैं, एक तो वो आ जाता है क्या कहते हैं सैमसंग, अपना S20 ले गए, S10 ले गए, Note 10 ले गए, ऊपर से एप्पल मिल जाता है फोन। एप्पल आप बढ़िया यार फोन, मैं कहता हूँ बढ़िया है, बस थोड़े वो दिक्कतें होती है, पुराने फीचर देता है, 1 साल आ सकता है, बहुत बिकने वाला फोन है वो, 2020 का नहीं 2019 का। उसके अंदर आपको वो भी देखने को मिलता है एप्पल का ही दो तीन, तो यार इतना महंगे प्राइस, अब देखते हैं इंडिया में किस प्राइस लाता है, आज रात को पता चलेगा। और लीक्स कह रहे कंफर्म है, जो प्राइस के है वो कंफर्म है। और रैप चार्जर आपको वायरलेस देखने को मिलेगा जो कॉस्ट करेगा $65। वाह चार्जर की प्राइस आ गई $65, चार्जर कितने का बड़ा, 4,550 रुपये का चार्जर है, 30 वोल्ट का चार्जर इतना महंगा, चलो होगा वायरलेस होगा ये वायरलेस है साइड से, तो ठीक है यार वायरलेस चार्जर इतने रुपए का, तो ठीक है वायरलेस 4,550। तो अगली हम बात करते हैं, छोड़ यार प्राइस इसकी यार आपको पता चलेगी, कान बंद करो बस बोलो अच्छा प्राइस दे वन प्लस। तो अगली हम बात करते हैं तो वो आ रहा है मैकडोनल्ड की तरफ से, मैकडोनल्ड का कोई 5G प्रोडक्ट आ रहा है अप्रैल 5, 15 को, वो भी चाइना में, इंडिया में नहीं चाइना में आ रहा है कुछ। अब देखते हैं क्या है, 5G फोन होगा शायद से, 5G स्मार्ट प्रोडक्ट इन चाइना। अब देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट बोला है यार इन्होंने, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट मैकडोनल्ड की तरफ से, वो भी चाइना में आएगा। और इसके अंदर आपको कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा, बस ये डाला है इन्होंने 15 तारीख को आने वाला है, आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ मैं दो तीन चीजें, अब आप समझो यार चाइनीज में लिखा है, मेरे को तो समझ नहीं आया क्या है, पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं, इतना कुछ फालतू लिखा हुआ है उन्होंने, फोन तो नहीं लग रहा यार 5G क्या आएगा, मैकडोनल्ड का फोन हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के रीडिजाइन IGTV ऐप के, हेल्प्स यू फाइंड अ न्यू क्रिएटर, जो आपको हेल्प करेगी नए क्रिएटर फाइंड करने में। IGTV आने वाला है नया फीचर लेके, इंस्टाग्राम लेके आएगा अपना नया फीचर, उसके अंदर अपने IGTV को रीडिजाइन किया उन्होंने, हेल्प करेगा आपको नए ऐप और नए क्रिएटर ढूंढने को, नए क्रिएटर सॉरी नए क्रिएटर ढूंढने में हेल्प करेगा। और यार एक और बड़ी खबर आ गई है, नो iPhone 9 है जाना, जो 15 तारीख जो अप्रैल की है उसके बाद लॉन्च का आ रहा है कंफर्म, क्योंकि लीक्स जितने भी आ रहे हैं, जितने भी लीक्स आ रहे हैं हर जगह मैंने देख लिया, आईफोन जो 9 है वो आने वाला है 15 अप्रैल के बाद, शॉकिंग न्यूज है। अब पता नहीं क्या आना है, या अनाउंसमेंट कर देंगे हमारा iPhone 9 आने वाला है, बस ऐसे कुछ, अब ये नहीं पता कब आएगा क्या आएगा, थोड़े बहुत लीक सी है ज्यादा नहीं है, ऐसे देखो ऐसे पूरी नदी है उसमें से हल्का सा पानी बाहर आ गया, वैसे ये इसके लीक्स, बस आज के लिए इतना ही। आपको मैं आज बोल देता हूँ ऊपर iPhone जो 9 है वो कब तक लॉन्च होगा, मैं दो तीन डेट दे दूंगा, अप्रैल में, मई में, जून में या जुलाई में या सितंबर में,
इनमें से कुछ डाल दूंगा मैं ऊपर पोल में, जाके देखो इधर होता पोल, आई दबाओ उसके अंदर पोल है, जाके करो और नीचे 20 लाइक्स का टारगेट पूरा कराओ, सब्सक्राइबर पूरे कराओ, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ, ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं हम, बस काम करेंगे, वीडियो एडिट करूंगा, 4 नहीं 6 बजे तक आपको दे दूंगा वीडियो, एंजॉय करना। तो चलते हैं, बाय बाय, पबजी खेलूंगा अभी तो।